हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट हमने बात की थी अपने चैप्टर में। हमारा चैप्टर था सेवन चैप्टर कोऑर्डिनेट मैथ्स में, ठीक है। उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और उस एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। उसमें कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप उसमें मुझे सेंड कर देना, ठीक है। अच्छा, आज हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। 7.2 एक्सरसाइज जो है हमारी, आज हम उसको इसके अंदर करेंगे। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज 7.2 में जो इस्तेमाल होता है फॉर्मूला वो हमारा होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। मान लो आपके पास दो पॉइंट है कोऑर्डिनेट के ऊपर, आपके पास दो पॉइंट हैं। फर्स्ट इज़ पी, और पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं एक्स वन और वाई वन, ठीक। और एक पॉइंट है आपके पास क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक। तो आपके पास ये दो पॉइंट हैं। अब मान लीजिए ये जो P से Q का Q तक लाइन जाती है, ये P पॉइंट से Q पॉइंट तक जो लाइन जाती है उसमें बीच में कोई पॉइंट आ जाता है जो कि है R, ठीक है। P से Q तक एक लाइन जाती है और इसमें बीच में कोई पॉइंट आ जाता है R, ठीक। तो आपको करना होता ये है कि आपको ये बताना होता है कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स और वाई मान लूँ तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी होती है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर हो सकता है या फिर ये कहीं पर भी फिक्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मिडल में ही हो, ठीक है। ये थोड़ा पी की तरफ हो सकता है, क्यू की तरफ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो ये आता है कि आप इसके बीच के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताइए, उनका जो कोऑर्डिनेट है वो बताइए। और इसमें एक चीज़ होती है कि आप इसमें जो डिस्टेंस है पी क्यू की उसको क्या कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार इसमें रेशो दिया जाता है तो इसका रेशो पी आर और आर क्यू का रेशो आपको दिया जाता है, आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसकी भी हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो मान लीजिए इसमें पी आर का जो रेशो है वो एम वन है, और पी क्यू जो आर क्यू जो पार्ट है इसका उसमें हमारा एम टू है, ठीक है। तो ये रेशो मिलता है हमें, जिससे हम क्या करते हैं अपने आर के जो आर हमारा पॉइंट है उसके एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जिससे हमें आर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं, ठीक। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब देखिए इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने 7.2 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1.7 एंड 4.-3 इन द रेशियो ऑफ 2.3, ठीक है। हमें वो पॉइंट निकाल करके इनको दिखाना है जो इस और इस कोऑर्डिनेट को जॉइंट मतलब बीच में से काटता हो, और किस रेशो में काटे, 2.3 रेशो में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो हमारे पास जो पी पॉइंट है वो क्या है, -1.7, और हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वो हमारे पास 4.-3, इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। और हमारे पास यहाँ पर एफ वन की वैल्यू है 2 और हमारे पास एम टू की वैल्यू है 3, ठीक है। ये जो एम टू की वैल्यू है वो हमारे पास 3। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये फॉर्मूला है हमारा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। एक्स इन द सेंस जो हमारा आर पॉइंट होगा, जो हमारा आर पॉइंट होगा उसमें एक्स और वाई जो इस लाइन को बीच में जो पॉइंट हमारा जो दोनों लाइन इस दोनों पॉइंट्स की लाइन जो हो है हमारी वो बीच में जो लाई कर रहा है वो पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट जो हैं एक्स और वाई, ठीक है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक्स की जो वैल्यू है वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, वो हमारे इस फॉर्मूले से निकलती है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। मैं थोड़ा डायरेक्ट टू द पॉइंट बात इसलिए कर रहा हूँ
ठीक है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय ऐसा है कि इसमें हम जितना जल्दी इसको कवर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब आप सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। ठीक, मैं वैल्यू रख के इसको सॉल्व करता हूँ। जो हमारे पॉइंट है पी, मैंने उसमें ऊपर एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू डाल लिया है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से जब हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें मिस्टेक की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे यहाँ पर बोला गया है कि पहले हमें एम वन की वैल्यू रखनी है, तो एम वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू है। ठीक, उसके बाद एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू हमारे लिए क्या है, फोर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, फोर प्लस एम टू हमारे लिए है थ्री, इंटू एक्स वन की वैल्यू क्या है, माइनस का वन, ये हुआ। उसके बाद एम वन प्लस एम टू मीन्स टू प्लस थ्री, ये हो गया। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एट, ये हो जाएगा माइनस का थ्री और अपॉन में फाइव, तो ये आपका आ जाएगा फाइव अपॉन फाइव, इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन। अब ले लेते हैं वाई के लिए। वाई के लिए हमारे लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक, इसमें आप यहाँ पर रखेंगे एम वन की वैल्यू क्या है, टू, इंटू वाई टू की वैल्यू क्या है हमारे लिए, माइनस थ्री, प्लस एम टू की वैल्यू क्या है, थ्री, इंटू वाई वन की वैल्यू क्या है, सेवन, और अपॉन में अगेन टू प्लस थ्री। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस सिक्स प्लस 21 और अपॉन में फाइव, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, और 21 में से सिक्स जाएंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक, और नीचे आ जाएगा फाइव, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी थ्री। ठीक, अब देखिए आपका जो पॉइंट है आर, उसकी वैल्यू क्या आई है, वन कॉमा थ्री। ये तो आप जानते हैं एक्स की वैल्यू हमेशा पहले रखी जाती है और वाई की बाद में। तो इस तरह से आपको जो है एक्सरसाइज 7.2 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब करने हैं आपको। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़े अलग पैटर्न पर हैं।